जय हिंद दोस्तों, मैं आर्मी रिटायर्ड हवलदार शिवरतन सिंह, लकी डिफेंस एकेडमी का फिजिकल इंस्ट्रक्टर और ओनर। आज हम बात करेंगे कि 1600 मीटर का आपका टाइम कम नहीं हो रहा है। आप इतनी सुबह शाम मेहनत कर रहे हो, पूरे तीन तीन चार चार साल साल भर हो गए आपका मेहनत करते हुए, ग्राउंड पे चक्कर मारे जा रहे हो, लेकिन आपका टाइम 5:15 और 5:30 के बीच में आके रुक चुका है, उससे कम नहीं हो रहा है। तो उसी विषय के ऊपर हम बात करूंगा। मैं आपको एक ऐसा ट्रिप्स बताने वाला हूं जो हमने फौज में कराया है बंदों से, और मैं अकेडमी में बंदों से करवाता रहता हूं। तो वो ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि जिन भाइयों को 5:15 और 5:30 से फिर आगे आके टाइम कम नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए मैं एक बहुत ही आपको फार्मूला बताने वाला, बहुत ही इजी तरीके से आपको कंटिन्यू 3 से 4 सप्ताह वो आपको मतलब प्रैक्टिस करनी है। यानी मान लो आपको 1 महीना वो प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका टाइम 5 के अंदर यानी 4:40 तक आएगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, उसी विषय पर बात करूंगा। आपको निराश होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। यहां मेरे पास हर चीज की दवा है, हर मर्ज की दवा आपको यहाँ मिलेगी, हर चीज का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे फिजिकल से रिलेटेड हो, चाहे रिटर्न से रिलेटेड हो, चाहे एनीवे कोई भी आपकी समस्या हो, हर समस्या का समाधान इस चैनल आपको यूट्यूब लकी डिफेंस एकेडमी के ऊपर मिलेगा। तो आप मेरे भाई जो भी मेरे यूट्यूबर है, ये मेरे यूट्यूब जो मेरे सब्सक्राइबर है, तो उनको निराश होने की या हताश होने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर प्रॉब्लम बंदों की आ रही है कि 1600 मीटर का टाइम तोड़ना, उसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए मैं आपको बोर्ड के माध्यम से बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और मैं आपको गारंटी देता हूं 101% आपको टाइम आपका कम होगा। चाहे आपका 5:15 आके रुका हो, चाहे 5:30 आके रुका हो, 5:15 5:30 तक बंदे लेके आ जाते हैं, लेकिन उससे कम जो टाइम है वो टूटना मुश्किल हो जाता है। काफी देर तक 5:15 और 5:30 के टाइम के ऊपर ही आप लोग अटके रहते हो, उससे कम टाइम नहीं हो पाता है। तो वो अभी मैं आपको बताता हूं, उससे कम आपको कैसे करना है, 5:45 आपको टाइम कैसे लेना है, बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपको मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आइडिया मैं दूंगा, रास्ता आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन उस रास्ते के ऊपर आपको पूरी ईमानदारी के साथ चलना है, तो आपको मंजिल मिलेगी मेरे भाई। तो अभी हम बात करते हैं आपको, जैसे सपोज करो 5:30 5:30 तक आ गया, ये जो मैं टाइम बता रहा हूं उन बंदों के लिए है जो 1 महीना 1.5 महीना या 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी आपका टाइम आपने मतलब 5:30 तक या 6 मिनट तक लेके आ गए, आप 6 मिनट तक भी लेके आ गए या 5:30 तक लेके आ गए, उससे कम टाइम नहीं हो रहा है, नहीं टूट रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना, फर्स्ट वीक यानी पहला सप्ताह, एक सप्ताह आपको 400 मीटर का ग्राउंड है तो ग्राउंड है, नहीं तो आप लंबा फित्ते से नाप लेना आपका 400 मीटर, चाहे आपकी पगडंडी है, चाहे आपके गांव में रोड है, कहीं भी है, ग्राउंड नहीं है तो आप रोड या जो भी आपका 400 मीटर का एक लंबा रूट ले लेना। उसमें आपको क्या करना, फर्स्ट एक वीक, पहला एक सप्ताह आपको क्या करना, 400 मीटर आपको 1 मिनट और 10 सेकेंड में प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट एक सप्ताह 1 मिनट और 10 सेकेंड आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है 400 मीटर का, चाहे ट्रैक है चाहे लंबा है। अब हो सकता है आप एक चक्कर मारो और 1:10 आ जाए, नहीं, आपको वो प्रैक्टिस करनी है, मतलब आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस 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 उस माहौल में डालना है कि आपको चाहे नींद में उठा के भी दौड़ा दे तो आप 1:10 लेके आ जाओ। तो वो कंटिन्यू आपको एक सप्ताह आपको कंटिन्यू सुबह और शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करनी है। अब कितने चक्कर मारना है वो आपके स्टेमिना के ऊपर डिपेंड करता है, आप 5 चक्कर मारे हो, 6 चक्कर मारे हो, 10 चक्कर मारे हो, 400 मीटर जितने आपके अंदर स्टेमिना है। तो कंटिन्यू आप एक वीक तक आपको 1:10 1 मिनट 10 सेकंड तक आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है। एक सप्ताह पूरा हो जाता है, उसके बाद में आ जाना आपको नेक्स्ट सप्ताह यानी दूसरे सेकंड वीक में आ जाना है। तो आपको जो 400 मीटर का ट्रैक है उसकी प्रैक्टिस करनी है 1 मिनट और 20 सेकंड के अंदर, 1:20 की कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करनी है, कितना, सेकेंड वीक में अंदर। फिर आपको बीच में क्या करना है, आपको सोमवार को आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड यानी 800 मीटर का आपको दौड़ना पड़ेगा। तो 800 मीटर में आप जो फर्स्ट 400 मीटर लाओगे 1:10 में लेना है, और फिर जो दूसरा लाओगे वो 1:20 के अंदर आपको कवर करना है। इस हिसाब से दोनों का कॉम्बिनेशन होगा आपका, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब एक साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कितने की, 800 मीटर की। फिर सेकेंड वीक आपको 1 मिनट और 20 सेकंड आप प्रैक्टिस कंटिन्यू एक सप्ताह आपको सुबह शाम दोनों टाइम आपको करते रहना है। फिर आपको आ जाना तीसरा वीक यानी थर्ड वीक के अंदर आ जाना, थर्ड वीक में भी आपको जो 400 मीटर का है 1 मिनट और 20 सेकंड के अंदर लेना है। थर्ड वीक में आपको 400 मीटर 1 मिनट और 20 सेकंड में ही आपको प्रैक्टिस करनी है, लाने का मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको सोमवार बुधवार और शनिवार सप्ताह 3 दिन आपको तीनों का कॉम्बिनेशन की
मतलब टेस्ट लेना है, जैसे आपको 100 चौक 20 चौक 3 चौक 12 यानी 1200 मीटर का आपको टेस्ट लेना है। उसमें आपको फर्स्ट राउंड 1:10 में मारना है, सेकंड राउंड 1:20 में मारना है और थर्ड राउंड आपको 1:20 में मारना है। ये आपको प्रैक्टिस भी करनी है, सप्ताह में 3 दिन करना, तीसरे वीक में एक जैसे सोमवार को कर लिया, फिर बुधवार को कर लिया, फिर शनिवार को कर लिया और बाकी कंटिन्यू 1:20 वाली प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। लेकिन बीच बीच में आपको एक एग्जाम यानी एक टेस्ट भी लेना है कि मेरा जैसे फर्स्ट वीक का मैंने 1:10 का टाइम दिया, सेकंड वीक में 1:20 का दिया, थर्ड वीक का जो मैं भी तैयारी कर रहा हूं 1:20 का, तीनों का 1200 मीटर का आपको टाइम लेना है भाई, हां ये मेरा टाइम सही मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा तो फिर आपको प्रैक्टिस थोड़ी लंबी खींचेगी आपकी। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम चौथे वीक में। चौथे वीक में भी आपको 1:10 में ये लेना है, जो 400 मीटर का प्रैक्टिस करोगे तो वो 1:10 में, तो फर्स्ट वीक में 1:10, सेकंड वीक में 1:20, थर्ड वीक में 1:20 और चौथे वीक में भी आपको 1:10 की प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको जो शनिवार आएगा, जो चौथे वीक का लास्ट शनिवार आएगा, उसमें 1600 मीटर की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चारों चक्कर आपके वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, फर्स्ट एक चक्कर 1:10 में लेना है, दूसरा चक्कर 1:20 में, तीसरा चक्कर 1:20 में और चौथा चक्कर 1:10 के अंदर लेना है, तो आपका टाइम हो जाएगा 5 मिनट। लेकिन कंटिन्यू जिन भाइयों को 1 महीना 1.5 महीना हो गया कंटिन्यू प्रैक्टिस करते और उनका जो 1600 मीटर का 6 मिनट आ रहा है या 5:30 आके रुक गया है, वो बंदा ये प्रैक्टिस करना, आपको 5 मिनट आपका टाइम आ जाएगा। बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अभी उन भाइयों के ऊपर चलते हैं जो 4, 5, 6, 7 महीने से प्रैक्टिस करें लेकिन उनका भी टाइम 5:10, 5:15 पे आके रुक गया है या 5 मिनट तक भी आके रुक गया है, उससे कम टाइम नहीं हो रहा है, उनके लिए क्या करना, उनके लिए मैं आपको बताऊंगा। उन भाइयों को फर्स्ट वीक में आपको 1 मिनट और 5 सेकंड का टाइम लेना है, 400 मीटर का जो 400 मीटर दौड़ोगे आपको 1 मिनट और 5 सेकंड के अंदर पूरा करना है, एक वीक तक कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते रहना। दूसरे वीक में आपको प्रैक्टिस करनी है 1:15 में आपको 400 मीटर का रास्ता पार करना है। ओके, उसके बीच में सेकेंड वीक के बीच में आपको सोमवार बुधवार और शनिवार को फर्स्ट वीक वाला 1:05 और सेकेंड वीक वाला 1:15 इन दोनों का टेस्ट भी लेना है, आपको सुबह सुबह लेना है, सोमवार को सुबह ले लिया, बुधवार को सुबह ले लिया और शनिवार को आपको सुबह टाइमिंग लेना है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है कि भाई फर्स्ट चक्कर मेरा 1:05 में आ रहा है और दूसरा चक्कर 1:15 में आ रहा है नहीं आ रहा, इस दोनों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और 1:15 की प्रैक्टिस तो आपको पूरे सप्ताह करनी करनी है, सुबह और शाम दोनों टाइम। चक्कर आप अपने हिसाब से निकालते हो, 4 चक्कर 6 चक्कर 8 चक्कर 10 चक्कर जितने आपके अंदर दम है उतने चक्कर आप निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट तीसरे वीक में आते हैं। तीसरे वीक में बंदा फिर 1:15 की प्रैक्टिस करेगा कंटिन्यू, एक सप्ताह यानी एक वीक तक 1:15 तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहेगा, सोमवार बुधवार और शनिवार को 1:05, 1:05, 1:15, 1:15 इन तीनों का टेस्ट लेगा यानी 1200 मीटर का टेस्ट लेगा, सोमवार को सुबह, बुधवार को सुबह और शनिवार को सुबह, इन तीनों का टेस्ट लेगा सप्ताह में 3 दिन, तो तीनों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी प्लस 1:15 का भी अपना सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करता रहेगा। फिर आ जाते हैं चौथे वीक के अंदर यानी फोर्थ वीक में बंदा 1:05 की प्रैक्टिस करेगा पूरा सप्ताह, बीच बीच में सोमवार को बुधवार को और शनिवार को पूरे 1600 मीटर का टाइम लेगा, 1:05 का, 1:15 का, 1:15 का और 1:05 का टाइम आ रहा आपका 4:40। तो जिन भाइयों का 5 मिनट आके रुक गया उससे कम नहीं हो रहा है उनको ये सेकंड वाला टाइम एडजस्ट करना है और जिन भाइयों का 5:30 और 6 मिनट पर आके रुक गया है उन भाइयों को 1:10, 1:20, 1:20 और 1:10 की प्रैक्टिस करनी है हर सप्ताह। आपको ये मतलब 1 महीने का मैंने शेड्यूल डाला यानी 4 वीक का शेड्यूल, आप प्रैक्टिस करके देखो, कोई भी चीज अच्छी चीज यदि कोई है तो उसको प्रैक्टिस करने में कोई गुनाह नहीं है, कोई बुराई नहीं है, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप करके तो देखो। मैं बोलता हूं 100% नहीं 101% आपको उस चीज में फायदा होगा, आपका टाइम कम होगा और बहुत इजी तरीके से। और जो भाई अभी 5 दिन 10 दिन हुए रनिंग करते हुए वो आप पहले अपना कंटिन्यू स्ट्रेंथ अपना स्टेमिना इंक्रीज करिए, रनिंग करते रहे, उसके बाद आपको जैसे 1 महीना 1.5 महीना या 2 महीना हो जाता है, जैसे आपका टाइम 5:30 6 मिनट आ जाता है तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, 1 महीने के अंदर ही आपको रिजल्ट आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से
और भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे ट्रिक्स आपको लाता रहूंगा, जिससे 1600 मीटर बहुत ईजी हो जाए और आप लोग हताश निराश नहीं हो और आपको जो इंडियन आर्मी का एक सपना लेके बैठे हो वो सपना साकार हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपका दोस्त लकी फौजी आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल लकी डिफेंस अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।